चलिए इसी के साथ देख लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरों को। संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में एक रैली निकाली दी जा रही थी, उन्होंने मना किया भाजपा कार्यकर्ताओं से कि धारा 144 लगी हुई है, किसी भी तरह के रैली के आयोजन ना करें। इस दौरान जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई उसके बाद कहा जा रहा है साथ डिप्टी कलेक्टर के साथ इस दौरान प्रिया वर्मा की चोटी भी खींची गई और उनके बाल बिखर गए, इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। किस तरह से हाथापाई हुई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच और डिप्टी कलेक्टर के बीच, भाजपा ने इसका बेहद विरोध किया है। हालांकि ये वो कहना भूल गए हैं कि जिस तरह से महिला अधिकारियों पे हाथ उठाए गए वो भी काफी शर्मनाक है। तो उन्होंने कहा एक काला दिन है लोकतंत्र का, कलेक्टर निधि से